मर्जा मोदी का जवाब है, मोदी ने खुद दिया और उन्होंने कहा कि मर्जा मोदी का जवाब है मत जा मोदी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी का जवाब जनता ने दे दिया, मोदी को ही जनता चुनेगी। लेकिन छोटे ओवैसी मार्केट में नया शिगुफा लेकर आए हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाईजान की जान इस वक्त सियासत में है और इसीलिए सवाल खास है और उनके साख का भी है। 24 का चुनाव तो है ही, उनके खुद के यहां भी चुनाव है और इसीलिए जब मोदी वर्ल्ड लीडर के बीच होते हैं अकबरुद्दीन बेहद तल्ख अटैक करते हैं, टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं उनके लिए और छोटे ओवैसी फिर से पुराने फॉर्म में लौटना चाहते हैं। अकबरुद्दीन ने क्या कहा उसे आपको सुनवाते हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या ओवैसी ब्रदर्स इसलिए परेशान हैं कि मोदी के साथ मुसलमान हैं? ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर, क्या ये जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया, शर्म नहीं है इनको, बच्चों को मार रहे। हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपनी कौम को तबाह बर्बाद होने नहीं देंगे। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। ओवैसी ब्रदर्स जब भी बोलते हैं जुबान से अंगारे बरसते हैं, मोदी के नाम से इन्हें जोरदार करंट लगता है। मौका चाहे कोई हो, जगह चाहे कोई हो, एंटी मोदी सोच को हवा देने में ही सबसे आगे रहते हैं ओवैसी भाईजान। कभी चाय वाले बन जाते हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी फकीर बन जाते हैं। अरे भाई, हमको ना चाय चाहिए ना चाय वाला चाहिए, ना चौकीदार की सीटी चाहिए ना चौकीदार की टोपी चाहिए, हमको ना फकीर चाहिए ना फकीर का थैला चाहिए, हमको एक ताकतवर वजीर आजम चाहिए। वह एक ताकतवर वजीर आजम दे दो, बस यही काफी। हैदराबाद के मुख्यालय दारुल इस्लाम में AIMIM की 65वें स्थापना दिवस समारोह में छोटे भाईजान जब बोल रहे थे तब शायद वो मुसलमानों को भड़काने के चक्कर में मोदी की ताकत बोल रहे, या यूं समझिए कि मोदी की ताकत को जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि आजाद भारत में मोदी से पहले 14 प्रधानमंत्री आ चुके थे जिनमें किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि जम्मू कश्मीर को 370 से मुक्त कराया जाए। सालों से तीन तलाक का शिकार हो रही मुस्लिम महिलाओं को मोदी के अलावा किसी और ने निजात नहीं दिलाई। सर्जिकल स्ट्राइक, CAA और नोटबंदी जैसे फैसले मोदी ने अपनी ताकत के दम पर ही लिए। मोदी की यही ताकत उनकी लोकप्रियता में तब्दील होती चली गई और आम जनमानस के पटल पर उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान बना ली। तब भी ओवैसी बंधु कहते हैं मोदी में वो दम है, और ये जानते हुए भी कि देश ही नहीं दुनिया के मंच पर भी मोदी ने अपनी ताकत का मजबूती से एहसास कराया है, अपने बलबूते तिरंगे की शान को और ज्यादा बुलंद किया है, क्या ये ताकतवर PM की निशानी नहीं? हालांकि छोटे ओवैसी मोदी नफरत में इतना भरे हैं कि उन्हें कुछ और नहीं सूझता। 15 लाख आ जाएंगे, आ गए, ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगी, इतनी ट्रिलियन उतनी ट्रिलियन हो गई, कुछ नहीं हुई, सिर्फ बातें सिर्फ बातें। मैं पहले भी कहता था बेहतरीन अदाकार है, बेहतरीन अदाकार वो अदाकारी, वही दिखावा, और क्या मिला? मैं बताओ, मुझे बताओ क्या मिला? असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को भले ही ये समझने में देर लगे, मगर उनके बड़े भाईजान मोदी की ताकत को बखूबी जानते हैं, समझते हैं और उसे महसूस भी करते हैं। ये अलग बात है कि 24 की लड़ाई से पहले वो मोदी के खिलाफ हर उस तरीके को अपना रहे हैं जिससे आम हिंदुस्तानी भड़काऊ ही मानता है। यकीनन BJP को हराना है, हम भी नहीं चाहते कि 24 में दोबारा इस वतन अजीज का वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने। अगर कोई हमसे बातचीत करना चाहता है आओ बात करेंगे, मगर वो बोलेंगे तेर से बात नहीं करेंगे, तू बस खामोश बैठ जा। मैं खामोश नहीं बैठ सकता हूं, खामोश बैठना मेरी फितरत में नहीं है। तो सवाल पब्लिक का यही है कि मोदी मजबूत हो रहे हैं इसलिए ओवैसी ब्रदर्स डरे हुए हैं? मुसलमान और मोदी की दूरियां कम हो रही हैं क्या इसलिए भड़काऊ भाईजान मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, और क्या मोदी की बढ़ती लोकप्रियता इन्हें हजम नहीं हो पा रही?
क्योंकि सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी ही अकेले मोदी को ताकतवर नहीं मानते, जबकि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक मोदी की हर बात सुनी जाती है, गौर किया जाता है और फिर अमल में लाया भी जाता है। वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। बात इतनी भर नहीं है, लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक की है, डर सियासी जमीन पूरी तरह खिसकने का है, टकराहट डेटा से हो रही है, क्योंकि यूपी के 2022 के चुनाव में 8% पसमांदा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। यहां AIMIM को 0.5% वोट से भी कम 0.47% वोट मिले थे। गुजरात चुनाव में 14% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि ओवैसी की पार्टी को महज 0.29% वोट ही मिल सके थे। और तो और, जिस तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी के सबसे ज्यादा 7 विधायक हैं, वहां बीजेपी की बढ़ती मौजूदगी ने ओवैसी के माथे पर शिकन ला दी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तेलंगाना में 6.98% वोट मिले थे, जबकि लोकसभा चुनाव में ये बढ़कर 19.45% हो गया। दाऊदी बोहरा समुदाय के बीच प्रधानमंत्री मोदी को देखा जाना भी ओवैसी की लाइन के विपरीत निकला। यही वजह है कि ओवैसी बंधुओं की बेचैनी बढ़ गई है, घबराहट है, सिर्फ मोदी और मुसलमान पर बोल रहे हैं। एक गाना, पुराना गाना गाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उसकी ट्यून ऐसी है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री, ये गाना बहुत पुराना हो गया है, ये गाने में सच्चाई नहीं है, धोखा है। देश के 2024 के चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मोदी विरोधियों की सारी राजनीति के केंद्र में मुसलमान है। ऐसे में जब मोदी मुसलमानों की बात करते हैं तो विरोधियों में खलबली मच जाती है। मेरे बोहरा भाई बहन, रात में अगर 2 बजे भी लैंड किया है तो 2-5 परिवार तो आए ही है एयरपोर्ट पे। मैं उनको कभी कहता हूँ इतनी ठंड में आप क्यों कष्ट उठाते, नहीं बोले आप आए हैं तो बस हम आ गए। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, उनके दिलों में भारत की चिंता और भारत के लिए प्रेम हमेशा दिखाई देता। ये वही ओवैसी है जो देश में हिजाब वाली लड़की को PM बनाने का सपना देखते हैं। इनकी राजनीति मौका देखकर उबाल मारती है, खून में भी हिंदू मुसलमान खोजने में माहिर हैं ओवैसी। शब्द लच्छेदार रहते हैं, जुबान में तलखी होती है, मोदी और हिंदुओं के लिए बेशुमार जहर। आप ये समझ रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे हैं, अपनी गर्दन को पेश कर देंगे चाकू के सामने, किसकी माँ जनी हमारा गर्दन काटा जा सके, बताओ हमको। हालांकि दूसरी तरफ मोदी की ताकत है कि आज दुनिया के क्षितिज पर भारत का डंका बज रहा है और मुसलमान भी मोदी का गुणगान करता है। मोदी इसलिए वोट की परवाह किए बगैर मुसलमानों और अल्पसंख्यकों में बीजेपी की रीच को बढ़ाने का मैसेज देते हैं। इसी कड़ी में 10 मार्च से बीजेपी मुस्लिमों के बीच जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। 2024 तक कई राउंड में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। पहले चरण में 14 राज्यों पर फोकस किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 60 लोकसभा सीटों को आइडेंटिफाई किया है जहाँ मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी देश के प्रमुख शहरों और कस्बों में सूफी और उलेमा सम्मेलन करेगा ताकि मुस्लिम समाज में बीजेपी की पैठ बढ़ाई जा सके। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी मुसलमानों को अपने साथ ला पाएगी या फिर मुसलमान उनके साथ जुड़ पाएंगे। आप पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काफी लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं कि यह अभियान काफी ज्यादा अच्छा है, सबको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है क्योंकि हम एक देश में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो, सभी भाई हैं। उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ही आए क्योंकि अच्छा रिजल्ट है उनका, हर जगह प्रोग्रेस है, हर जगह इम्प्रूवमेंट है, इधर वो रोड हो या चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, वट एवर इट इज, ये लोग पॉजिटिव होके कुछ सीरियसली साथ आना चाहते हैं तो ये तो हमारे लिए बेस्ट है। हम सबके लिए, मतलब सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी और सभी के लिए बेहतर यही है कि सब साथ आके रहें। प्रधानमंत्री जी हों या अमित शाह जी हों, कोई उनके लिए जनता ने अगर इस लायक पहुँचाया है
या इस ओहदे पे वो पहुंचे हुए हैं तो उनके लिए सब लोग बराबर हैं। मुसलमान जो चाहते हैं मोदी वही सोचते हैं। हालांकि इस बीच ओवैसी और तौकीर रजा जैसे लोग आड़े आने की कोशिश करते हैं। मजहब के नाम पर भड़काऊ तकरीरें दी जाती हैं। तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि 15 मार्च से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बरेली से रवाना होकर ये यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। 17 मार्च को मुरादाबाद में नमाज अदाई की होगी। 21 मार्च को राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके लिए देश भर के मुसलमानों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। अपनी इसी चेतावनी में तौकीर रजा का भड़काऊ टेप भी बजता है। मोदी के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जाता है। हुकूमत खालिस बेईमानी का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ हमारा ये एहतजाज पुरजोर एहतजाज है और हम इस एहतजाज में दिखाएंगे कि हमें मुल्क को ताकत नहीं दिखानी है, हमें प्रधानमंत्री को अपनी ताकत दिखानी है कि हमारे सब्र का जो इम्तिहान लिया गया है, अगर हम सड़कों पे निकलते हैं तो अगर कहीं माहौल ख़राब होता है तो उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हिंद भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। तो सवाल यही है कि ओवैसी ब्रदर्स मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से बेचैन हैं या फिर मुसलमानों को खुद से दूर जाता हुआ देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे कि करें क्या। सवाल बहुत है मगर इन्हें पढ़ना है तो ओवैसी के चेहरे के भाव को देखकर आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। और आजकल ओवैसी के यही गर्म तेवर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, मोदी के नाम पर तो बहुत बहुत ज्यादा। दिल्ली से भावना किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।